नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं प्रस्तुत हूँ एक आत्मनि प्रकरण का सूत्र लेकर के, अकर्मकाच्य। और यह जो अकर्मकाच्य जो सूत्र है वह क्या कहता है कि अकर्मक अर्थात जिसमें कर्म नहीं हो, तो अकर्मक यानी जो अकर्मक है ऐसी ज्ञा धातु से, कौन सी अकर्मक ज्ञा धातु से आत्मनि पद प्रत्यय लगता है। अब देखिए ये इसका अर्थ है और आप उदाहरण लिखेंगे तो आप लिख देंगे जैसे, आप लिख देंगे ज्ञा प्लस त और सूत्र लिख देंगे आप प्रकृत सूत्र से आत्मनि पद आगम, ठीक है, ये इसका इतना सा अर्थ है। अब देखिए इससे जो सिद्ध होने वाली है वह सिद्धि पढ़ेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखिए एक सिद्धि है हमारी, सर्पेशो जानीते, ये है। तो इसमें हम जानीते की सिद्धि करेंगे विद्यार्थियों, किसकी करेंगे जानीते। तो आप लिखेंगे विद्यार्थियों ज्ञा प्लस लट, सूत्र लिख देंगे आप वर्तमाने लट सूत्र से लट आगम। अब देखिए आप जानते हैं जब लट का आगम हो जाता है तो लट में जो टा है और ला में जो आ है उन दोनों का लोप होता है। तो आप जानते हैं लट के टा की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होगी और उपदेशी अजन्नासिक के सूत्र से क्या है लट के आ की संज्ञा हो जाएगी। तो आप लिखेंगे ज्ञा प्लस लट और आप लिखेंगे सॉरी ला रह जाएगा हलंत, आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लट के आकार के लट के टकार टकार की एत संज्ञा और उपदेश आजानो नासिक एत सूत्र से लट के आकार के इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार हुआ आकार का लोप। अब देखिए अब आप इसके बाद लाएंगे इसके स्थान पे त, तो आप लिखेंगे ज्ञा प्लस त और आप लिखेंगे सूत्र कौन सा था विद्यार्थियों, अकर्मकाच्य। तो आप लिखेंगे अकर्म काच्य,
अकर्मकाच से आत्मनेपद तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तानेकवचन द्विवचन बहुवचनानेकशः सूत्रों की सहायता से तिप्तस जे सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय आदेश अब देखिए जब त प्रत्यय आ जाता है तो आप सभी जानते हैं उस त की क्या होती है सार्वधातुक संज्ञा और सार्वधातुक संज्ञा होगी देखिए आप लिखेंगे ज्ञा प्लस त और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम से त प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा अब देखिए आपको पता है ये ज्ञा धातु भवादिगण की तो है नहीं क्योंकि अगर यह धातु भवादिगण की होती तो क्या होता इसमें आपका प्रत्यय लगता सॉरी विकरण आता सब यह धातु है ज्ञा धातु क्रियादिगण की अब क्रियादिगण की है तो यहां पर सिना आता है तो आप लिखेंगे ज्ञा प्लस सिना प्लस त और सूत्र लग जाएगा आपका क्रियादिभ्य चलो इसको देख लेंगे एक बार क्रियादिभ्य सुना ये थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है से सुना आगम अब देखिए जब सेना आ जाता है तो इस सेना का ये जो सा है उसकी संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा ज्ञा प्लस ना हो जाएगा और सूत्र लग जाएगा आपका लस क्व तद्धते सूत्र से सुना के सकार को इत संज्ञा व तस्य लोपः से लोप यानी इत संज्ञा हो गई इस संज्ञा होकर के तस्य लोपः से इस संज्ञा का लोप हो गया
अब देखिए विद्यार्थियों, अब आप क्या करेंगे कि इस ज्ञा को जा कर लेते हैं हम, प्लस ना प्लस ता, ठीक है। सूत्र है आपको पता है, ज्ञा जनोर जा, ज्ञा जनोर जा। सूत्र से ज्ञा को जा आदेश, देखिए ज्ञा को क्या हो गया, जा आदेश। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ई कर लेंगे, ये हो जाएगा नी। और आपको पता है ई हल्य गोह सूत्र है, आप लिखेंगे ई हल्य गोह सूत्र से सना के आकार को ईकार आदेश, फिर देखिए इसको, इसकी जो टी है उसको क्या कर लेंगे, ए, और ये बन जाएगा जानीते। असूत लगेगा विद्यार्थियों, टित आत्मने पदानां तेरे, सूत्र से त प्रत्यय की टी को एकार आदेश, अब इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा जानीते। संयोग करने पर जानीते सिद्ध, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको संस्कृत में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स करें, आपकी जो भी समस्या होगी उसका मैं यथा समय समाधान करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।